हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए, गुड मॉर्निंग सर। आपके सामने की स्क्रीन आ रही है, शेयर की है मैंने, ये दिख रही है ना आपको? अच्छा, पहले ये बताइए कि जो मैंने पहले वेबिनार एड्रेस किया था उसकी रिकॉर्डिंग सबने देखी हुई है ना? हेलो हेलो, हेलो हाँ, पर कहने में सबने तो नहीं देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी पर सबने नहीं देखी होगी। आप एक बार बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो जो है अपने स्टार्ट करते हैं इसको। मैं जो पहले मैंने वेबिनार में एड्रेस किया था उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अपने जो है वो एल्गो और मैनुअल ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, और क्या क्यों एल्गो ट्रेडिंग जो है वो क्लाइंट्स के लिए बेनिफिशियर है, कैसे एल्गो ट्रेडिंग को यूज़ करके वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकता है, इसके लिए अपने क्लाइंट्स को ये बता सकते हैं कि एक तो क्या है कि मैनुअल ट्रेडिंग में जो स्लिपेज, अपॉर्चुनिटी का लैक और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी गड़बड़ भी हो जाती है, वो एल्गो ट्रेडिंग में काफ़ी मतलब इम्प्रूव्ड रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप अपने मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक बार में 3 4 5 स्क्रिप्ट से ज़्यादा को हैंडल नहीं कर सकते हैं, जबकि एल्गो ट्रेडिंग में क्या है कि आप 100 150 स्क्रिप्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरे क्या है कि एल्गो ट्रेडिंग में यू कैन नॉट कैप्चर ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी। मीन्स जैसे सपोज कीजिए किसी स्प्रेड को अपने को 20 रुपए में करना है, और वो 20 रुपया जो है वो दिन भर में माना 20 बार आया, तो आपको पता लगा सिर्फ उसी स्प्रेड को, तो आपके पास यही तो काम है नहीं कि आप पूरे दिन बैठ के सिर्फ उसी स्प्रेड को देख रहे हैं। तो वो तो माना 20 बार में आपने बहुत ज्यादा आप कैप्चर कर लेंगे, तो 2 बार 3 बार से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जबकि एल्गो ट्रेडिंग में क्या है कि 20 के 20 बार आप उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हैं। आपने उसमें रूल लगा दिया कि भाई जब 20 आए तो वो आप इस स्प्रेड को मेरा एग्जीक्यूट कर देना, तो जब जब भी 20 आएगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। तीसरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट में मैनुअल ट्रेडिंग में क्या रहता है कि अभी कोई मार्केट में एकदम से मूवमेंट आ गया तो आप एकदम से पैनिक हो जाते हैं, और उसमें पता लगा जो चीज़ लेने थी उसको बेच दिया, जो चीज़ बिकनी थी उसको ले लिया, पोजीशन स्क्वायर, ऐसी बहुत सी गलतियां होती हैं कि आदमी पोजीशन स्क्वायर अप करने गया और उसने डबल से क्रिएट कर दी। तो ये सारी गलतियां जो हैं वो एल्गो ट्रेडिंग में नहीं होती हैं, उसमें हर चीज पहले से प्री डिफाइंड ऑटोमेटेड रूल्स लगे हुए हैं, ये होगा तो ये कर देगा और ये होगा तो इसको एग्जीक्यूट कर दे, इसको स्क्वायर अप कर दे, वो सब लगा है। तो जब वो सिनेरियो जनरेट होगा तो वो आगे अपने आप एग्जीक्यूट कर देगा। तो बेसिकली क्लाइंट्स के लिए क्या रहता है, क्लाइंट्स के लिए एल्गो क्यों फायदेमंद है कि ही कैन हैंडल मोर नंबर ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ही कैन ग्रैप ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, एंड ही कैन मैनेज देयर रिस्क वेरी एफिशिएंटली। अब आज के सिनेरियोज में क्या है कि दो तरह की ट्रेडिंग होती हैं, एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग है और दूसरी नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग है। डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या है कि अपने एक डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट तेज होगा कि मार्केट मंदा होगा, जब भी जो हमारा व्यू बना उसके अकॉर्डिंगली तेज है तो लॉन्ग करके काम किया, और मंदा है तो शॉर्ट करके काम किया, और जब अपने व्यू में रॉन्ग होते हैं तो अपने को लॉस होता है। दूसरा क्या सिनेरियो है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, यानी कि वो ऑप्शंस में पॉसिबल है, अंडरलाइन में नहीं पॉसिबल है। ऑप्शंस में क्या है कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जिसमें हम अपने ग्रीक्स को इस हिसाब से मैनेज करते हैं। अब यहाँ ग्रीक्स वर्ड आया तो ग्रीक के बारे में अभी बताता हूँ मैं कि ग्रीक्स क्या होते हैं। तो अपने ग्रीक्स को इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि मार्केट के मूवमेंट में की वजह से, यानी तेजी और मंदी होने की वजह से मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो, या बहुत कम हो, या मैनेजेबल हो। और उसमें ऐसी स्ट्रेटजीज रहती हैं कि कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो एक छोटे मूवमेंट के लिए
आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज कर देती हैं, कुछ थोड़े उससे बड़े के लिए, दूसरी होती हैं वो उससे और ज़्यादा बड़े मूवमेंट के लिए, और कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी बड़े मूवमेंट के लिए आपको मार्केट के डायरेक्शन मूवमेंट की वजह से जो पीएल होता है उसको नहीं होने देती हैं। तो जो आपको वो ग्रीक्स का बेनिफिट मिलना है वो बेनिफिट आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो बहुत नॉमिनल होता है। लेकिन नॉमिनल इन द सेंस ऐसा होता है कि आप अपनी फंड का 12% से 15% का रिटर्न निकाल सकते हैं, एंड दैट रिटर्न विल ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट वर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% तो कुछ भी नहीं होता। अभी मैंने जब भी ग्रीक्स का जिक्र किया तो ग्रीक्स में क्या है कि जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो स्टॉक के हैं चाहे वो इंडेक्स के हैं, इन सब ऑप्शंस की जो वैल्यू है, जैसे अभी देखिए मॉक ट्रेडिंग चल रही है तो यहाँ पे ये 111 रुपया का भाव आ रहा है 15,800 के पुट का, या ऊपर वाले का देखिए भाव आ रहा है 59 का। तो अब इसका रेट जो है ये कौन तय करता है कि इस पुट का या इस कॉल का रेट इतना ही होगा, इससे ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो ये बेसिकली तय करता है व्हाट इज ऑप्शन। ऑप्शन इज नथिंग ए कम्बिनेशन ऑफ फोर ग्रीक्स विच बिकम्स जीरो एट एवरी थर्सडे इफ यू आर वर्किंग इन वीकली ऑप्शन। यानी ऑप्शन जो है वो चार ग्रीकों का सम्मिश्रण है जो हर बृहस्पतिवार को जीरो हो जाना है। वो चार ग्रीक्स कौन कौन से हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा। यहाँ पे आप देखिए तो इस स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है डेल्टा, उसके बगल में गामा, उसके बगल में वेगा एंड उसके बगल में थीटा। जिस किसी को इन ग्रीक्स का रिलेशन आपस में क्या है और अपने अंडरलाइन से क्या है, अंडरलाइन क्या हुआ, अगर आप निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो निफ्टी आपका अंडरलाइन हुआ, आप रिलायंस के ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो रिलायंस आपका अंडरलाइन हुआ। तो जिस किसी को इस बात की समझ आ जाती है कि इन ग्रीक्स का आपस में क्या रिलेशन है, इन डेल्टा का गामा से क्या है, थीटा का उससे क्या है, और इसका उसके अंडरलाइन से क्या रिलेशन है, यानी डेल्टा का, माना आप निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो डेल्टा का निफ्टी से क्या रिलेशन है, गामा का निफ्टी से क्या रिलेशन है, वेगा का निफ्टी से क्या रिलेशन है। तो जिस किसी को ये चीजें समझ आ जाती हैं उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है, और उसका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत ही बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अब वो वैसे ही कोई एकदम हाहाकार मच जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं कोरोना फैल गया, या इस टाइप की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस डेवलप हो जाए तभी वो ट्रैप हो सकता है, अदरवाइज उसको ट्रैप करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं शॉर्ट में इनका रिलेशन भी मैंने उस वेबिनार में बताया था, अभी भी बता देता हूँ कि इनका रिलेशंस क्या होते हैं। पर ये रिलेशंस को सीखना ही जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। और ऐसा डेटा है कि अभी 100 लोग अगर इसको सीखने की कोशिश कर, समझ सबको आ जाता है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है कि एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अनडिक्लेयर्ड है, विच कॉल्ड टेम्परामेंट। जैसे मैं जब भी काम करता था तो हम सब लोग एक ही आदमी के ट्रेंड किए हुए थे, 100 लोगों की टीम थी, एक बड़े से हॉल में बैठते थे, एक जैसी स्ट्रेटजीज करते थे, एक आदमी के गाइडेंस में करते थे, ऑलमोस्ट सब कुछ एक ही जैसा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या सबकी शीट एक जैसी बनती थी, तो आंसर होता था नो, सबकी शीट एक जैसी नहीं बनती थी, सबकी शीट अलग बनती थी, किसी की अच्छी बनती थी, किसी की बहुत अच्छी बनती थी, किसी की खराब बनती थी, किसी की बहुत खराब बनती थी। तो फिर सवाल ये अगला उठ जाता है कि ऐसा क्यों होता था जब सब कुछ एक जैसा है। तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे जो ट्रेडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड टेम्परामेंट, वो सबका अलग अलग होता है। क्या होता है कि इसको थ्योरिकल लेवल पे तो समझ जाते हैं ऑलमोस्ट 100 में से 90 लोग, लेकिन उसको ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करके वो टेम्परामेंट डेवलप करना कि जिससे अपने रिटर्न निकल पाए, उसका नंबर काफी कम है। पर हम क्या क्या है कि हमें ट्राई करते रहना है क्लाइंट को।
तो टेम्परामेंट क्या हुआ फिर यहाँ पे, जो टेम्परामेंट वर्ड आ गया क्या हो गया? टेम्परामेंट एक ऐसी चीज है कि जैसे किसी को कार चलाना सीखना है, तो अभी उसने ड्राइविंग सीख ली, तो अब उसको सारे फंक्शन तो पता है, क्लच, गियर, ब्रेक, एक्सेलेटर, स्टेयरिंग, सब चीज पता है, पर उसका इतना स्किल नहीं डेवलप हुआ कि वो ट्रैफिक में, हाईवे में निकल के चला पाए। उसको जब हाईवे पे कोई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है तो घबरा जाता है, तो इसलिए वो, और वो डरता है वो हाईवे का भीड़, ट्रैफिक, स्पीड की वजह से। वही चीज इसमें भी होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि आपको इसके बारे में जब भी सिखाया जाता है तो आपको थ्योरिकली सभी समझ में आ जाता है कि हाँ चीज ये चीज ये चीज ये। लेकिन क्या है, जब मार्केट एकदम शांत पड़ा हुआ है, जैसे आजकल शांत पड़ा हुआ है, आप पैसे भी कमाते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या है, जब मार्केट में मूवमेंट आएगा, और कई बार बहुत वोलेटाइल मूवमेंट आता है, तो क्या है कि आप घबरा जाओगे, और उस समय जो उसको रिस्क मैनेज करने के लिए जरूरी कदम है वो आप उठाने से चूक जाओगे, या घबरा के उल्टे सीधे कदम उठा लोगे तो आप फिर लॉस कर लोगे। तो इसलिए इसके लिए क्या होता है कि अपने क्या करते हैं, अब ये सवाल ये आता है कि फिर इसको दूर कैसे किया जाए कि अपने घबराए नहीं, अपने नहीं कहें। तो ड्राइविंग में क्या करते हैं कि पहले जो ड्राइविंग सीखते हैं तो किसी खाली जगह पे, खाली रोड पे, खाली पार्क में सीखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा जब सीख जाते हैं तो उसको कम ट्रैफिक वाली जगहों पे लेके जाते हैं, फिर थोड़ा और सीख जाते हैं तो और ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगहों पे लेके जाते हैं, फिर और सीख जाते हैं तो हाईवे पे लेके जाते हैं, और सीख जाते हैं तो फिर एक्सप्रेसवे पे लेके जाते हैं। यही चीज़ इसमें भी है कि इसको पहले सीखते हैं, सीखने के बाद क्या करते हैं कि इसको पेपर ट्रेड करते हैं। आज मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, हाउ टू प्रिपेयर डेटा एंड हाउ टू डन पेपर ट्रेड। जब भी पेपर ट्रेड में आपका प्रॉफिट आने लगे, देन आप जो है वो रियल ट्रेड में जाएंगे। म्यूट करिए। तो अब अपने पेपर ट्रेड कैसे बनाते हैं, पेपर ट्रेड पे कैसे जाते हैं, उससे पहले अपने इस ग्रीक्स के बारे में समझते हैं छोटा सा। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्रीक है, दैट्स कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा डेल्टा अपने को क्या बताता है, मैं एक सेकेंड, जो पहला ग्रीक है बात तो हो गई, वो ऐसा वो मतलब चल रहा है क्या उनके साथ उसमें, ये किसका म्यूट नहीं, किसी का म्यूट नहीं है और बहुत ट्रैफिक की आवाज आ रही है। ठीक है ना, डेल्टा, डेल्टा क्या है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन प्राइस, यानी कि ऑप्शन प्राइस में अंडरलाइन क्या है, निफ्टी है। तो अभी डेल्टा अपने को क्या बताता है कि जैसे माना, सपोज कीजिए निफ्टी का रेट जो है वो 15700 चल रहा है, और 15700 की कॉल का रेट जो है 120 है, और इसका डेल्टा माना 0.5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी का रेट 10 रुपए बढ़ेगा। सपोज कीजिए निफ्टी का रेट हो जाएगा 15710, तो ये ऑप्शन जो है वो 125 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा अपने को क्या बताता है कि ऑप्शन का प्राइस कितना बदलेगा अंडरलाइन का रेट चेंज होने से,
और अगर निफ्टी का रेट सपोज करिए हो जाता है 15690, तो इसका भाव जो है वो 115 हो जाए। ठीक है, तो ये डेल्टा है। डेल्टा अपने को क्या बताता है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन। पर डेल्टा जो है ये कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। तो अब जब चेंज होता रहता है तो अपने को ये जानकारी की जरूरत पड़ती है कि डेल्टा कितना चेंज होएगा, ये मुझे कैसा पता लगाएगा, पता लगेगा। तो अपने को वो अगला ग्रीक आता है, दैट कॉल गामा। गामा क्या है, गामा टेल्स चेंज इन डेल्टा ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन। ठीक है, गामा अपने को बताता है कि अंडरलाइन बदलने से डेल्टा कितना चेंज हो जाएगा। जैसे माना सपोज कीजिए किसी इसी ये जो अपना 15700 की कॉल थी, इसका जो गामा था वो एक था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निफ्टी का भाव 15700 से 15800 हो जाए तो ये जो डेल्टा है ये जो 0.5 था ये 0.6 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.6 हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अब अगर निफ्टी 10 रुपए बढ़ेगी तो ऑप्शन 6 रुपए महंगा हो जाएगा, और 10 रुपए घटेगी तो ऑप्शन 6 रुपए सस्ता हो जाएगा। तो गामा जो है वो अपना क्या बताता है कि चेंज इन डेल्टा ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट्स कॉल्ड वेगा। वेगा क्या बताता है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये नया टर्म आ गया, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। व्हाट इज एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या हो गई, जैसे माना निफ्टी की इस कॉल का जो आईवी था 12700 का, 15700 कॉल का डेल्टा 50, गामा 1 और आईवी 13 थी, और इसका वेगा जो था माना 8 था। ठीक है ना, अब ये इसको देखिएगा, दो चीजें तो आप समझ गए, इसको देखिएगा, वेगा 8 है और आईवी 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 13 वाली और इसका भाव जो है वो 120 रुपया है, तो अगर ये 13 वाली 14 हो जाए तो इसका भाव 128 रुपया हो जाएगा, और अगर ये 13 वाली 12 हो जाए तो इसका भाव जो है 112 रुपया हो जाएगा। यानी कि वेगा अपने को ये बताता है कि एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 1% चेंज होने पे ऑप्शन प्राइस कितना बदलेगा। अंडरलाइन से उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अंडरलाइन ये प्रिज्यूम करके माना जाता है कि अंडरलाइन जो बदलेगा उसके उसके हिसाब से ऑप्शन प्राइस कितना बदलेगा, वो तो डेल्टा और गामा बता रहे हैं। लेकिन वेगा अपने को ये बताता है कि आईवी चेंज होने से जो है वो ऑप्शन प्राइस में कितना फर्क आएगा 1% का आईवी प्राइस चेंज होने से। 1% आधा कुछ भी, अगर आधा टके ये माना आईवी घटती है तो 4 का 8 का 4 ही बढ़ेगा या घटेगा। अब फिर आईवी जो है वो क्या हुई, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या हुई, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है इट्स ए बंच ऑफ कंडीशंस विच फिक्स द ऑप्शन प्राइस। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराते ना जाते ना, तो मेडिकल इंश्योरेंस में आपका कितना प्रीमियम रहेगा ये किन बातों पे निर्भर करता है
कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी हेल्थ कंडीशन कितनी है, आपकी हैबिट्स कितनी है, कैसी हैं, ये सारी चीज़ों पे दे एनालिसिस कि आपके बीमार पड़ने के चांसेस कितने हैं और गंभीर बीमार पड़ने के चांसेस कितने हैं जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके आधार पे वो प्रीमियम तय करते हैं। अगर आप यंग हैं, आपके कोई बैड हैबिट्स नहीं है, आप हेल्दी हैं, आपका BMI अच्छा है, तो आपका प्रीमियम कम होगा। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप डायबिटिक हैं, आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा, और अगर आप हेल्दी हैं तो प्रीमियम कम होगा। वही चीज़ इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है, मार्केट में कितना मूवमेंट है ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी तय करती है। यानी कि अगर IV ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि सेम मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम्स जो हैं वो महंगे हैं। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि भाव 15700 है और 15700 की कॉल का भाव 120 रुपया है, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि 15700 के ही रेट पे 15700 की कॉल का रेट जो है 140 रुपया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 140 वाला है, यहाँ पे IV बढ़ी हुई है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। यानी पे एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या करती है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना उतार चढ़ाव होने की चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, ये IV बताती है। IV बढ़ी है तो इसका मतलब मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, IV घटी है तो इसका मतलब मार्केट न्यूट्रल रह सकता है। पर एक कोई फिक्स रूल नहीं होता है। जैसे माना आजकल IV बहुत नियर टाइम लो चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा। मार्केट में अगर मूवमेंट जैसे ही बनना शुरू होगा तो IV बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ी हुई IV है और मार्केट सेटल हो गया तो IV ड्रॉप होने लगती है। तो हम लोग बेसिकली जो ट्रेड करते हैं वो बेसिकली IV ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हम मार्केट में इस बात का गेस करते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन के कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हम इस बात का गेस करते हैं कि IV बढ़ेगी कि घटेगी, मार्केट वोलाटाइल है कि न्यूट्रल है, मार्केट किधर जाएगा ये मेरे को नहीं मतलब है, वोलाटाइल है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो हम IV सेल करके काम करेंगे, और अगर वोलाटाइल लग रहा है तो IV बाई करके काम करेंगे। इसके बाद जो लास्ट वन ग्रीक है, दैट्स कॉल्ड थीटा, ये सबको पता होता है। थीटा अपने को क्या बताता है? चेंज इन ऑप्शन price due to change in days। एक दिन बदलने से ऑप्शन प्राइस पे कितना फर्क पड़ता है ये अपने को थीटा बताता है। लेकिन थीटा के लिए एक बड़ा मिथ है कि आदमी ये सोचता है कि मैंने आज रात को ऑप्शन बेच के गए, अब आप क्या होगा। एक सिनेरियो देखते हैं कि निफ्टी 15700 है, ठीक है, 15700 की कॉल का भाव 120 रुपया है, इसकी IV 13 रुपया है, वेगा 8 रुपया है, और थीटा जो है वो 10 रुपया है, ठीक है ना, अपने ये मान के चलते हैं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगले दिन जो है अगर निफ्टी 15700 खुलेगी तो 15700 की कॉल का भाव 110 खुलना चाहिए, क्योंकि 10 रुपए थीटा है ना, तो 10 ये क्या है, थीटा खत्म कम हो जाता है, प्राइस ऑप्शन डेप्रिशिएट हो जाता है। जैसे आपने मेडिक्लेम कराया है तो जैसे जैसे समय पास होता है वैसे वैसे जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को मिला है उसकी मैच्योर होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो ना तो हर कोई जो है शाम को बेच के जाएगा, सुबह काट लेगा, ये थीटा खा लेगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, इसका भाव जो है वो नियर अबाउट 119 या 121 ऐसे खुलेगा। क्या होगा, तो फिर ये होगा थीटा कहाँ चला गया, थीटा वहीं रहेगा, ये बेसिकली जो IV 13 है ना ये 14 खुल जाएगी, तो 8 का वेगा है तो ऑप्शन जो है 8 रुपए से महंगा हो जाएगा, तो थीटा की वजह से वो 10 रुपए सस्ता हुआ, वेगा की वजह से 8 रुपए महंगा हो गया, तो जड़ में जो है ये आपको मोटा मोटी यही रेट मिलेगा। तो यानी कि क्या है कि इंट्रा मतलब शाम को ऑप्शन बेच के और सुबेरे काटने की कोई थ्योरी वर्क नहीं करती है। आप गैर जरूरी रिस्क लेके जा रहे हैं,
एक गैप ओपनिंग का। कल बाजार जो है वो 15,800 खुल गया, तो ये 120 वाला तो ऐसे ही 220 खुलेगा या 180 खुलेगा। तो गैप ओपनिंग का रिस्क लेके जा रहे हैं और थीटा नहीं मिलने वाला है। थीटा क्या कम मिलेगा शाम तक जो है, जब ये आईवी वापस 13 आएगी तब ये जो आपका वेगा जो है वो जब डेप्रिशिएट हो जाएगा तो आपको थीटा मिलेगा। तो यानी कि क्या है कि थीटा जो है वो इंस्टेड ऑफ इवनिंग को बेंच के मॉर्निंग में कट करने का सौदा जो है वो करने की बजाय मॉर्निंग में जब आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ी हुई दिख रही है उस समय बेंच के अगर आप शाम को काटेंगे तो आपको वो पैसे थीटा के मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये तो एक आपको मोटा मोटी मैंने बताया कि यहाँ पे आप देखिए ये ऑप्शंस में इस स्क्रीन पे, तो ये आपको देखिए दिख रहे हैं, ये पहले कॉलम में ये देखिए ये डेल्टा, ये गामा, ये वेगा और ये थीटा। अभी इसका वेगा 7.81 रुपए है, आईवी चल रही है 34 की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 34 वाली 33 हो जाएगी तो ये 74 वाला जो है वो 7.80 रुपए सस्ता हो जाएगा, और अगर बढ़ जाएगी तो ये महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ये तो ग्रीक रहता है। अब अपने आते हैं कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो अपने जो क्लाइंट को बेसिकली समझाएंगे तो क्या समझाएंगे क्लाइंट को कि सर ऐसा है कि हम आपको ऑप्शंस सिखाएंगे, आपके पास जो फंड है, जो खास तौर से जो मार्केटिंग के लोग हैं यहाँ पे उनके लिए ये है कि अभी क्या है कि आपको अपने टारगेट्स ब्रोकरेज के पूरे करने के लिए सिर्फ क्लाइंट को एक ही चीज़ बतानी रहती होगी कि सर ये करिए और ये टिप ले दे देता हूँ आपको और मेरे पास ये टेक्निकल एनालिसिस का है, ये है वो है वो है। लेकिन वो क्या है ना कि वो जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है वो उसका भी जो सक्सेस रेटियो है वो 50-50 के आसपास होता है, यानी 5-10 अगर कॉल्स जनरेट होती हैं तो उसमें 5 सही होती हैं 5 गलत होती हैं, और अगर सारी एग्जीक्यूट हो गई तब भी जो है क्लाइंट को जड़ में कुछ नहीं मिलता, ब्रोकरेज घर से लग जाती है। इसलिए डायरेक्शनल ट्रेडिंग में क्या है, इन्वेस्टमेंट फिर आता है कि भैया अगर डायरेक्शनल ट्रेडिंग में ऐसे प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर होता किसको है। तो बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स खरीद के एक लंबे समय के लिए निवेश किया, जैसे MRF का शेयर 2090 में जिसने खरीदा था 2,00,000 रुपए का, उसकी इस समय वैल्यू 125 करोड़ की है। इन्फोसिस का जिसने सन 90 में 10,000 के शेयर खरीदे थे उसकी करीब 7-8 करोड़ की वैल्यू है। तो यानी कि अगर आप लंबे समय तक निवेश करेंगे जिस किसी कंपनी में और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, टाइटन, लिपिन, बहुत सी स्टोरीज राकेश झुंझुनवाला वगैरह की ब्लॉग्स पढ़िए तो उसमें आती रहती हैं, तो उसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन ट्रेडिंग में डायरेक्शन को बेस प्रेडिक्ट करके और वो प्रॉफिट होने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, लेकिन क्या है वो इस तरह से होता है कि 2 दिन प्रॉफिट हुआ फिर 1 दिन वो लॉस लग गया तो फिर अगले 2 दिन उस लॉस को भर रहे हैं, वो घूम फिर के जब महीने की शीट बांधेंगे ना तो किसी महीने लगेगा किसी महीने आएगा, पर जो ईयर की शीट बांधेंगे तो आपका पॉजिटिव होना बड़ा मुश्किल है। तो अपने को क्लाइंट को क्या समझाना है कि साहब ये करने की बजाय अपने पास जो आपके पास फंड है, और ख़ास तौर से वो क्लाइंट्स जिनके के पास स्टॉक है उनके लिए ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियरी है। क्या है कि स्टॉक को एज ए मार्जिन प्लेज करके लिमिट मिल जाती है, जो वो स्टॉक के बेनिफिट्स हैं उसके प्राइस के मूवमेंट, उसके राइट, उसके डिविडेंड्स, उसके बोनस, वट एवर इज, वो उसको मिलने ही मिलने हैं। ऑप्शन में ट्रेडिंग करके वो 12-15% का ऑलमोस्ट रिस्क फ्री रिटर्न निकाल सकता है। तो अपने को क्लाइंट को क्या समझाना है कि सर जो है ये एक प्रोडक्ट है हमारा जिसमें क्या है कि आप ऑप्शंस के थ्रू अपनी होल्डिंग और अपने फंड के लिए पर इतने का रिटर्न निकाल सकते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। इसमें तो बहुत रिस्क है, कहीं कोई बड़ी आपने कोई लॉन्ग कर ली सुबेरे घट के ही खुला मार्केट 500 पॉइंट नीचे तो क्या कर लोगे, काहे का स्टॉप लॉस काम करेगा और काहे का कुछ नहीं काम करता, जो कुछ भी काम करता है वो इंट्राडे ही करता है। और इंट्राडे में भी पता लगा ऐसा कितने सब लोगों के साथ सिनेरियो होता होगा कि वो स्टॉप लॉस लगा के रखा है वो जंप कर गया और मार्केट इतना तेजी से नीचे गया
या इतनी तेजी से ऊपर गया कि वो जब तक उसने दौड़ के काटा वाटा तब तक उसको ठीक ठाक क्लॉस लग गया। तो इस अपने को क्लाइंट को क्या समझाना है कि साहब इसको सीख लीजिए, इसके मैं ट्रेनिंग का इंतजाम कर देता हूँ। ट्रेनिंग का पार्ट है, कुछ पार्ट ट्रेनिंग का पेड है, कुछ पार्ट अनपेड भी है। और वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर क्या करिए आप, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग कर लिया बोले आप अपने तो सीख गया सौदा करते हैं चलो, नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेडिंग करना इज अ स्किलफुल जॉब। तो फर्स्ट यू नीड टू डेवलप द स्किल, देन गो टू ट्रेड। अब वो स्किल कैसे डेवलप करनी है, तो वो जो मैंने पहले एग्जांपल बताया था गाड़ी को, जब ये आप ट्रेनिंग कर गए तो आप छोटे ट्रैफिक की सड़क पर लेके आना है। तो छोटे ट्रैफिक पे सड़क पे लेके आने के लिए आपको पेपर ट्रेड करना है। और पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है कि ये जो ट्रेडिंग होती है ये डेटा की ट्रेडिंग होती है। अब यहाँ पे एक फिर नया टर्म आ गया, व्हाट इज डेटा। जैसे टेक्निकल एनालिसिस जो लोग जानते हैं, चार्ट वगैरह जानते हैं, तो चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस का बेस क्या होता है? बेस बिहाइंड द एनी टेक्निकल एनालिसिस, एनी स्कैन, E5, E13 को काटे और ये हो जाए और वो MACD पॉजिटिव हो जाए और हो जाए, उन सब का बेस क्या है? उन सब का बेस ये है कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था इसलिए आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। दैट्स नॉट 100% ट्रू, पर उसका बेस यही है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि व्हाट इज डेटा। डेटा में अपने पास क्या है कि चूंकि ये डेटा मेरे को ये बताता है कि इस सिनेरियो में, इस स्ट्रेटजी में ये चेंज आया था, तो इसलिए फ्यूचर में भी अगर ये सिनेरियो डेवलप होगा तो ये स्ट्रेटजी में चेंज आएगा। तो अपने को क्या है कि फर्स्ट क्या करना है, डेटा प्रिपेयर करना है। आप डेटा कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए कि स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने मार्केट वॉच पे ऐसे स्ट्राइक्स लगा लिए और इनको जो है वो एक्सेल में ट्रांसफर कर लिया। कैसे करते हैं ये मैं दिखाता हूं। जैसे सपोज करिए एक ये हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और लिंक टू एक्सेल सेलेक्टेड आइटम। और इसको ले जाके मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये इस सॉफ्टवेयर में है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से होता है। ये देखिए ये यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, अब यहाँ पे क्या है ये लिंक हो गया, और जब ये मार्केट में जो रेट बदलेंगे यहाँ पे वो सब वैसे ही बदलेगा। अब यहाँ पे अपने फार्मूला लगा देते हैं, कुछ भी जो भी अपने को स्ट्रेटजी चाहिए। जैसे माना मैंने, देखिए ये एक फार्मूला रेशियो का लगा रखा है, ठीक है ना, तो ये अपने फार्मूला लगा दिया। अब हमने ये फार्मूला लगाने के बाद अब आप ये देखिए कि मैंने जो है वो यहाँ पे क्या कर रखा है कि ये इतनी ढेर सारी स्ट्राइक, अब मैंने इसमें एक ये स्ट्रेटजी बना रखी है रेशियो। रेशियो क्या होता है कि अभी निफ्टी चल रही है सपोज कीजिए 15,700, तो अपने क्या करते हैं कि 15,500 का पुट बाई करते हैं, पुट प्लस करते हैं और 15,300 का पुट माइनस करते हैं, ठीक है। और इसको एक के अगेंस्ट में चार करते हैं, यानी हम इसको एक लॉट खरीदेंगे तो इसको चार करेंगे। तो इस तरह से बहुत सी स्ट्रेटजी होती हैं। तो हमने माना ये बना रखा है, तो मैंने ये सारी स्ट्राइक देखिए बना रखे हैं 15,700 और 300। तो ये क्या है, ये गैप है। जैसे इसमें 400 पॉइंट का गैप है दो स्ट्राइक में, और ये यहाँ पे क्या है 75 और 150, यानी ये 1:2 का रेशियो है। एक लॉट लेके दो लॉट बेच रहे हैं, 75, 375, ये एक लॉट लेके 5 लॉट बेचने का रेशियो है, और 75 और 300 एक लॉट लेके 4 लॉट बेचने का रेशियो है। और वो कितना चल रहा है वो देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे
अपने ने ऐसे ही 15,700, 300, 15,600, 200, 15,500, 100 ये सारी स्ट्राइक्स लगा ली। और उसके बाद ये पूरी शीट हम लोगों ने यहाँ पे लिंक कर रखी है। कैसे लिंक करी है यहाँ पे, जैसे माना मेरे को 15,700 का करना है तो मैंने यहाँ प्लस दबाया, यहाँ पे गए 15,700, ये देखिए 15,700 यहाँ आ गया, फिर आगे गए 15,300। अब मेरे को 1:4 करना है तो मैं यहाँ पे गया, 1:4 कहाँ पे है, ये क्लिक कर लिया, ये बायर का है और ये सेलर का है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी 15,700, 300 बाई इतने में होगा, सेल इतने में होगा, ये पूरा डेटा बन गया। तो यहाँ पे देखिए यही मैंने बना रखा है, ये क्या है, ये 1:4 है, ये 1:5 है, ये पूरी शीट बनी हुई है हमारी। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि इस शीट को जो है माना मैंने यूं ऐसे कॉपी करना है, दिन में कई बार ऐसे कॉपी किया और यहां पे लाके इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ऐसे पेस्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे वैल्यूज के साथ अपने पेस्ट हो गया। अब आप इस शीट को देखिए, ये मैंने आप ही के लिए बनाई थी। मैंने क्या किया कि 9:16 पे मैंने उस पूरी शीट को यहाँ पेस्ट कर दिया, ऐसे 10:11 पे कर दिया, 25। अब हम यहाँ पे अब इसको एनालिसिस करने बैठेंगे तो बेसिकली क्या है कि एक तरीका ये है कि ये शीट बनाना और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट्स कॉल्ड एनालिसिस। अब हम अगर इस शीट को एनालिसिस करने बैठे तो अपने देखेंगे कि सुबह मार्केट 15,851 खुला और उस वक्त 15,200 का जो रेशियो था 4:80 था। अब मार्केट देखिए 15,829 गया, तब भी वो 4:80 था, 43 में भी 4:80 था, पर शाम को जो है वो थोड़ा मार्केट तेज हुआ तो ₹1 ये कम हो गया। ऐसे ही ये कॉल में देखिए 3:20 था, ये 3 हुआ, ये 2:45 हुआ। तो इस सीट से हमको ये अंदाजा धीरे धीरे, जब ये हमारे पास ये माना मैंने मंडे को मनाया था, सीट का नाम मंडे रख दिया और मंडे की दिन में 10 बार 12 बार इसको 15 बार हर आधे घंटे में इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट करते रहेंगे। और उसके बाद इस शीट को आपके पास मंडे की ये पता लगा, ऊपर आपने डेट वगैरह डाल दी और उसके बाद आप इस शीट को बैठ के देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे को 4:80 वाला करना है कि 4:15 वाला करना है कि 4:30 वाला करना है। तो और वो माना मार्केट में ये 4:80 में था और उसका भाव 4.5 चल रहा है या 4 चल रहा है, तो अपने को क्या है इस शीट को देखने से अपने को मालूम करना होगा कि नहीं यार 4:80 में करो तो 3:80 हो जाता है। ये इतना थिन मूवमेंट है तो ये नहीं कि एक ही रुपया का, ये तो एक एग्जांपल के तौर पे है, इसमें बड़े मूवमेंट भी आते हैं। तो ये इस शीट से आपके पास डेटा तैयार होता रहेगा, तब आपका ये पता आपको मालूम रहेगा कि मेरे को निफ्टी से इतनी स्ट्राइक दूर 1:4 का रेशियो इतने बजे करूं तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होने की संभावना होती है। तो अपने क्या करेंगे, पेपर ट्रेड कैसे करते हैं कि अपने जो है वो जैसे सपोज करिए ये अपनी एक शीट है, तो अपने ने क्या किया कि अभी यहाँ पे ये रेट चल रहा है तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा 36,700 और 33,100, 36,700 का भाव चल रहा है 25, 33,100 का भाव माना चल रहा है 26, ये मैंने सौदा कर लिया तो ये टोटल हमारा 36 + 25 ₹61 में हुआ। और अब मैंने इसको लाइव मार्केट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहां पे माना मैंने 100 शेयर किए, दोनों 100 शेयर बेचे हैं तो हमारा प्रॉफिट लॉस कितना आएगा,
ठीक है, ये जैसे प्रॉफिट, अब ये क्या है कि ये मार्केट जैसे जैसे बदलेगा वैसे आपका यहाँ प्रॉफिट लॉस बदलता रहेगा। तो अभी क्या है कि ये आपका पेपर ट्रेड हो गया कि आप जो पोजीशन लेना चाहते हैं उस पोजीशन को आप उसमें एक्सेल में फीड कर दिया आपने, और उस कम्बिनेशन को लाइव जो उसका रेट चल रहा है वो नीचे उसके लिख दिया, और उसको उसमें से माइनस करके जो क्वांटिटी आपको करनी है वो क्वांटिटी करके प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, और उस प्रॉफिट लॉस को बैठ के देखते हैं। और क्या देखते हैं कि मार्केट में अंडरलाइन में चेंज होने से मेरे प्रॉफिट लॉस में क्या फर्क पड़ता है। बाजार जब तेज होता है तो क्या फर्क पड़ता है, बाजार जब मंदा होता है तब क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे से करके अपने को ये कम्बिनेशन ऐसे बनाना है प्रैक्टिस कर करके कि जब मैं जो कम्बिनेशन बनाऊं और उसमें मेरे को लॉस ना हो और प्रॉफिट होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है ये कम्बिनेशन मेरा वर्क कर रहा है, और फिर उस कम्बिनेशन को अपने रियल टाइम में करने जाते हैं। ठीक है, इतने में किसी को, हालांकि ये वन शॉट में बहुत क्या कहते हैं वो सर के ऊपर से जाने वाला जैसा रहता है, किसी को समझ आया या किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर मैं जैसे यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि ये आप जो बता रहे हैं वो मोटा मोटी वही चीज है जो सॉफ्टवेयर ऑप्शन के देते हैं, जैसे कि ऑप्स्ट्रा हो गया या फिर आईपा, उसका जो जरोधक है वो जो सॉफ्टवेयर है एक जो आपको बता देगा कि आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको बताएगा कि आपको सारे ग्रीक्स दिखाएगा, वो सब यही चीज है ना एक्सेल में आप जिसको दिखा रहे हैं। नहीं नहीं देखिए क्या है कि आप किस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, आवाज नहीं कट, जीरोधा का सेंसिबल हो गया या फिर ऑप्ट्रा हो गया डिफाइन एज का, वो क्या करता है, मैंने नहीं देखा उसे क्या करता है वो। जैसे कि आपको एक ओवरऑल व्यू दिखा देगा कि आप जैसे कोई भी स्ट्रेटजी बनाओगे, जैसे आपने बाय किया सेल किया, आपने निफ्टी को बाय की 15,700 की बाय की और 15,300 की सेल कर दी, तो वो आपको एक पूरा व्यू दे देगा कि आपको कितना प्रॉफिट लॉस होगा और आप कितना आपको मार्जिन लगेगा ये सब। हाँ वो चीज, ग्रीक्स दिखा देगा। हाँ वो चीज क्या है यहाँ पे, ये आपको स्क्रीन दिख रही है, एक सेकंड रुकिए मैं दिखाता हूँ। मेरे पास ये स्क्रीन दिख रही है ना, जो मेरा ये अल्गो वाला सॉफ्टवेयर है इसमें भी जो आप कह रहे हैं ना वो फीचर इसमें भी है। ठीक है, जैसे माना इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने एक पोजीशन ले रहे हैं, तो आप इसमें देखिए ये मैनुअल पोजीशन डाल के भी अपनी पोजीशन को रियल में लेने से पहले आप इसको वहां पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो दिखाता हूं आपको। जैसे अपने को निफ्टी में मैंने कहा कि 15,700 का कॉल मेरे को सेल करना है 600-156 रुपए में, और पुट मेरे को सेल करना है 675 रुपए में ना। एक अपने ने ये पोजीशन ले ली, अब ये क्या है ये देखिए यहाँ आपको सारे ग्रीक्स दिखा रहा है आपका मार्केट का। देखिए अपने आप रेट चेंज हो रहा है लाइव, इसके हिसाब से आपका डेल्टा क्या है, थीटा कितना है, वेगा कितना है, डेल्टा कितना है, फंड कितना यूटिलाइज हुआ है, क्या बैलेंस है, क्या प्रॉफिट लॉस है, वह सब चीजें आपको इवन देन इसमें एक्सपेंस भी डाल सकते हैं तो वो इसमें आपको दिखा सकता है। अब आपको इसमें सिमुलेट करने का भी है, आपने कहा कि भाई रुको तुम लाइव से रुको, आपने कहा मेरी ये पोजीशन जो है वो अगर 15,800 की बजाय 15,956 ब्रेट हो जाता है, तो आपने यहाँ 15,956 किया ना, तो देखिए आपका डेल्टा कितना चेंज हुआ, ये देखिए चेंज हुआ ना डेल्टा, ये सारे ग्रीक्स और प्रॉफिट लॉस में नेट बैलेंस देखिए वहाँ प्रॉफिट आ रहे थे, यहाँ लॉस आने लगा। अभी आपने कहा कि अच्छा नीचे घटे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो 15,756 किया तो देखिए आपका ग्रीक्स क्या आया, डेल्टा कितना रह गया, वेगा थीटा कितना रह गया, आपका प्रॉफिट लॉस में क्या फर्क आया। इसमें एक यहाँ पे हम लोगों ने रिपोर्ट्स में सिमुलेशन रिपोर्ट भी दी हुई है, ये देखिए ये रिपोर्ट क्या है
कि आज अगर मार्केट में मूवमेंट आया तो आपका ये रहेगा, और एक्सपायरी के दिन आपका क्या रहेगा, मतलब एक्सपायरी कहाँ पे आएगी तो आपको क्या प्रॉफिट लॉस रहेगा। यानी ये जो आपने पोजीशन ली है तो नीचे में 15506 और ऊपर में 15906 के तक मार्केट अगर एक्सपायर होता है तो आपको ये प्रॉफिट लॉस होगा, और उसके बाद उसके नीचे अगर ऊपर जाता है तो आपको नुकसान होगा। तो बेसिकली क्या है कि ऐसे ही, मतलब और बहुत से सिमुलेशन के तरीके हैं इसमें, तो वो अपने कर सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी बढ़ गई तो मेरे पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने इसको लाइव कर दिया और बोला चल अगर आईवी बढ़ती, अभी क्या चल रहा है आपका नेट बैलेंस 38,000, आपने कहा यहाँ पे आईवी को चेक किया और रियलाइज्ड आईवी में आपने कहा कि ये 10 वाले को ना अपने 21 करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ये आपका प्रॉफिट लॉस चेंज हो गया। तो आईवी चेंज करने से आपका पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, डेज ये 5 दिन आ रहे हैं, आपने कहा मेरे को 4 दिन करने तो मेरी पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक सिमुलेटर टाइप का इसमें मैंने दे रखा है, और इट इज मच 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 इम्प्रूव कंपेयर टू अदर अवेलेबल सिमुलेटर इन मार्केट। हाँ एग्जैक्टली यही चीज मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो वो ये भी क्लाइंट को अपने शुरू में क्लाइंट को यही देंगे। ये अभी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अलावा इंडिपेंडेंट भी आता है, तो उसमें क्या है इसका इसका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, ₹500 महीने का सब्सक्रिप्शन है, जर्नल है वो। तो फिर रघुनंदन के साथ जो कमर्शियल्स हमारे फिक्स हुए होंगे वो मेरे को नहीं मालूम। तो अभी क्या है अपने क्लाइंट को सिर्फ ये दे दिया कि भाई ये सॉफ्टवेयर चाहे फ्री दे दिया एक बार की 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कि भाई तो ये सॉफ्टवेयर चलाओ, इस पर स्ट्रेटजी बिल्डअप करो मार्केट के मूवमेंट को। ये मार्केट के लाइव से कनेक्टेड है तो इसमें क्या है रियल टाइम नीचे प्रॉफिट लॉस भी आएगा, तो आप इसमें स्ट्रेटजी बनाओ और देखो रियल टाइम में आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसमें सिमुलेट करके देखो। तो वो क्या है कई बार आप स्ट्रेटजी बनाओगे तो पता लगा आप अननेसेसरी का गामा शॉर्ट कर लिया तो वो गलत हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर जो है इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स टू जस्ट दे कैन लर्न हाउ टू बिल्ड द स्ट्रेटजी बेसिकली। तो एक तो ये तरीका है और एक तो वो तरीका है जो एक्सेल पे अपने ने बताया था आपको, तो वो तरीका है। लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है जो एक्सेल वाला है कि उसमें हम डेटा प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने कैसे सीखा कि मैंने ये डेटा प्रिपेयर किया, मेरे पास जब भी मंडे का मैं रेशियो जैसे माना करता हूँ एक स्ट्रेटजी, तो मेरे पास मंडे की शीट अब तो पूरा याद हो गया है इतने सालों से तो अब नहीं करता, लेकिन पहले मैं हम लोग क्या करते थे कि अपने मंडे की शीट बना ली है, पिछले 8 महीने साल भर की सारे मंडे की शीट है हमारे पास, हम उसको ऊपर नीचे करके मंडे की ट्रेडिंग करने से पहले एनालिसिस कर लेते थे। तब मेरे को ये लगता था कि मार्केट में ये रेशियो अगर 12 रुपया चल रहा है तो 12 में नहीं करना है, 14 में करना है, क्योंकि हमने उस सीट से निकाला है कि अगर 14 में करेंगे तो ये खट से 12 रुपया 10 रुपया हो जाता है थोड़ी देर में, और 12 में कर लेंगे तो 14 हो जाएगा तो हमको MTM माइनस का दिखाने लगेगा, तो वो रहता है। तो बेसिकली वो जो एक्सेल एनालिसिस है और जो ये वाला मैंने भी आपको दिखाया ये एनालिसिस है, ये दोनों कम्बिनेशन क्लाइंट को अपने को ट्रेंड करना पड़ता है। सबसे पहले देखो क्लाइंट को यही ट्रेंड करना पड़ता है, और क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस आएगा, उसको भी ये नहीं लगेगा कि वी आर गोइंग जस्ट टू चीट देम, एक प्रोडक्ट लेके आ गए ये खरीद लो ये खरीद लो ये खरीद लो, ऐसे नहीं लगेगा उसको। उसको लगेगा यस ये आदमी मेरे को कुछ सिखाना चाहता है, ये आदमी मेरे को कुछ ऐसा बताना चाहता है कि जिससे मेरा लॉस होने का पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाए और मेरे को प्रॉफिट आए। क्योंकि देखिए सीधा सा प्रिंसिपल है, क्लाइंट कमाएगा तो आप भी कमाओगे और हम भी कमाएंगे, क्लाइंट नुकसान करके काम बंद कर देगा आपका भी नुकसान होगा अपना भी नुकसान होगा। तो अपने को क्लाइंट को बेसिकली एक वो सोना का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो उसे जितना अब वो क्या है क्लाइंट जब हमने मन से करती है तो क्या कुछ भी उल्टा सीधा कर लेती है, कर लिया उसने और लॉस कर लिया, उसके बाद बोले अरे ये बेकार काम है अपना जो परचून की दुकान है वही ठीक है। तो वो अपने को उसको नहीं समझाना है, बल्कि उसको अपने को यही समझाना है कि इस ये बेसिकली दिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, तो हम इस जो ट्रेड को एक साइंटिफिक तरीके से अगर करते रहेंगे, देखिए लॉस नहीं हो सकता है 100%, ऐसा तो कहीं कोई फार्मूला ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं इतनी देर से आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा होता, क्योंकि मेरे पास तो खुद ही मैं इतने पैसे कमा चुका होता। तो क्या होता है रिस्क द मोर रिटर्न इंक्लूड सम अमाउंट ऑफ रिस्क, पर क्या होता है कि एक वो बिल्कुल अनाप शनाप रिस्क है, आपने कोई पता लगा निफ्टी की पोजिशन लॉन्ग कर रखी, अभी कोई अनहोनी हट जाए पूरे वर्ल्ड में, कहीं कोई एडवेंचर डेवलप हो जाए,
सुबेरे निफ्टी 500 पॉइंट घट के खुली, तो इसमें तो क्या है कि ना वो आपने तो उस ट्रेड को कर रखा था कि मेरे को 10,000 का नुकसान मैक्सिमम झेलना है, उसमें हो गया आपको 4,00,000 रुपए का नुकसान, तो वो चीज इसमें नहीं होती है। और कोई सवाल किसी का? सर मैं ये कह रहा था कि जो अभी आपने एक्सेल फाइल हमको दिखाई थी वो क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है उसको एक बार में या फिर 5 मिनट में समझना। हाँ नहीं, वो मैं वो एक्सेल फाइल भेज दूंगा, लेकिन क्या है कि वो एक्सेल फाइल भेज देने के बाद भी कोई इतनी जल्दी उसको समझना आसान नहीं है। उसका तरीका ये होगा कि आपका जो मतलब लाइव मार्केट में कोई आपके 2-3 जो डीलर हैं, मैं उनको बेसिकली वो एक्सेल फाइल बनाना बताऊंगा, ठीक है ना, और उसको एनालिसिस बताऊंगा, और वो इट इज नॉट ए 1 hour 1.5 hour जॉब। मैं उनको ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम उनको पूरा 3-4-5 दिन एटलीस्ट 1 week उनको इस चीज को गाइड करूंगा कि कैसे एक्सेल फाइल को बनाना है, कैसे अपने डेटा को बनाना है और कैसे डेटा को एनालिसिस करना है। तो जो आपके यहाँ ना माना 2-3-4-5 लोगों का एक ग्रुप बना, उनको अपने लाइव मार्केट में मैं बताता रहा बीच बीच में, तो वो जब एनालिसिस, तो वो क्या है, देखिए हम लोगों का जो सौरभ भाई से बात है, हम लोगों का क्या है कि हम लोग इस प्रोडक्ट को क्लाइंट को कैसे ब्रीच करने वाले हैं कि आपके एक टीम को अपने को ट्रेंड करना है इस लेवल तक कि जब क्लाइंट आपके पास आए तो आप उसको एक इनिशियल लेवल की ट्रेनिंग दे सको जितनी मैं अभी आपको दे रहा हूँ। उसके बाद जो उसमें आपको पोटेंशियल क्लाइंट दिखे, माना किसी का फंड साइज बहुत अच्छा है वो है, तो उसको मेरे से कनेक्ट कर दो, ठीक है ना, तो उसको मैं ट्रेंड कर दूंगा, शुरू में उसको ट्रेड में भी गाइड कर दूंगा। तो ये एक तरीका अपने को जब एपिन में फॉलो अप करेंगे तो ये चीज, और ये वर्क करती है, मैंने बहुत से मेंबरों के साथ की है, प्रभुदास लीलाधर के साथ की है, फिनवेशिया के साथ की है, एड्रॉइड के साथ की है, तो ये वर्क करती है 100% करती है। लेकिन होता क्या है इसमें कि चूंकि ये चीज देखिए इसमें रिटर्न्स क्यों है, जैसे जब से मैं ये ऑप्शन आया तब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये तब से इसमें रिटर्न्स ऐसे ही बने हुए, बाकी तो कुछ भी कर लो उसमें थोड़े दिन रिटर्न रहता है, उसके बाद रिटर्न खत्म हो जाता है। तो इसमें रिटर्न्स क्यों बने हुए हैं कि बिकॉज दिस इज अ स्किलफुल जॉब, जिसके पास स्किल है वो कमाता है, दूसरा तो 2-3 महीने कमाएगा, किसी दिन पकड़ा जाएगा तो सब जितना कमाया वो भी जाएगा और घर से भी जाएगा, तो वो बंद कर देता है। तो बेसिकली फर्स्ट वी नीड टू डेवलप द स्किल, तो और वो डिफिकल्ट है। तो अपने को करने का उसका तरीका यही है कि जैसे मैंने अभी ये आपका एक सेशन ऑलमोस्ट इतना ही आज के लिए सफिशियंट भी है। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन पे मैं आपको स्ट्रेटजी बिल्डर बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी बिल्ड करना रहता है। अब इसके लिए अपने पास होमवर्क आ गया। अब होमवर्क अपने को क्या आ गया कि मंडे से जब मार्केट खुलेगा तो अपने 2-3 जो आप एक अपने मार्केट में एक डीलर को मेरे से कनेक्ट करिएगा, मैं उस डीलर को उसका ट्रेडिंग स्क्रीन अपने एनी डेस्क पे लेके और उसको शीट बनाना, ये जो मैं आपको दिखाया ना एक्सेल की शीट, ये एक्सेल की शीट बनाना बताऊंगा, राइट, वो एक्सेल की शीट बनाने और उसके बाद उसको उससे उस एक्सेल की शीट पे फार्मूला लगाना, उससे डेटा बनाना और उस डेटा को एनालिसिस करना, ये इतनी चीजें मैं उसको एक हफ्ते तक बताऊंगा और आप सब भी उससे कनेक्ट रहोगे। तो वो इस लेवल पे जब आ जाएगा कि उसको अगर समझ में आ गया तो क्या है ना, क्योंकि देखिए मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर ईच एंड एवरी टाइम छोटी छोटी चीज के लिए मैं कनेक्ट में आ पाऊं, क्योंकि जब मार्केट चल रहा तो मेरे पास बंच ऑफ कॉल्स रहता है। पर क्या है कि वो जब एक आदमी को मैं गाइड, एक आदमी या एक ग्रुप को, नॉट ए सिंगल पर्सन है, सिंगल ग्रुप, उसको मैं गाइड कर सकता हूँ, वो पहले सीखे, उसके बाद जो आपके क्लाइंट है आप इसको मार्केट करिए, जो आपके क्लाइंट हैं उनको इनिशियल लेवल पे आप उनको बताइए कि ये क्या चीज है, उसमें जो पोटेंशियल क्लाइंट दिखे वो क्लाइंट का आ जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसमें एक नया प्रोडक्ट भी हमने ऐड किया है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटजी बिल्डर। देखिए जो ये एल्गोरिथम ट्रेडिंग है, इट इज ओनली वाइबल फॉर दोज क्लाइंट व्हिच हू हैव एटलीस्ट 50 lakh फंड, क्योंकि इसकी 10-12 हज़ार रुपए महीने की कॉस्टिंग होती है, 50 lakh से कम का फंड है अगर है तो उसके लिए वो वाइबल नहीं होएगा, छोटे क्लाइंट के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग वाइबल नहीं है। तो मेरी कंपनी ने क्या कर, हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि
छोटी क्लाइंट के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटजी फाइंडर। तो स्ट्रेटजी फाइंडर में क्या है, जैसे मैं इतनी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, अभी आपको एक सिमुलेटर दिखाया, एक्सेल बताए हुए, उसको हम लोगों ने इजी कर दिया है। और उसमें क्या है कि आपको सिर्फ उसमें 4-5 डेटा इनपुट करने हैं, आपका व्यू क्या है, आप फंड कितना लगाना चाहते हैं, आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं, आप प्रॉफिट कितना चाहते हैं। आपने कहा मेरे को 5 लाख का फंड लगाना है, अब मेरे को 25,000 का रिस्क लेना है, मेरे को 15,000 का प्रॉफिट चाहिए, मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है, या एक बार की व्यू नहीं भी डाला तब भी चलेगा। तो आपने ये डेटा उसमें इनपुट कर दिया, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मार्केट के सिनेरियो को एनालिसिस करके, ओपन इंटरेस्ट को, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी को, और ऑल दिस ऑप्शन डेटा, उसको एनालिसिस करके ही कैन सजेस्ट द स्ट्रेटजी। वो आपको स्ट्रेटजी बता देगा कि आप बुल स्प्रेड करिए, आप बैक फ्राइड, आप बैक स्प्रेड करिए, आप कंडोर करिए, आप बटरफ्लाई करिए, आप रेशियो करिए, आप स्ट्रेडल करिए, आप स्ट्रेंगल करिए, वट एवर द स्ट्रेटजी सूट्स इन दैट सिनेरियो, सॉफ्टवेयर विल टेल यू। आप वो स्ट्रेटजी कर लीजिए, उसमें आपको रिस्क रिवार्ड विवार्ड सब फलाने सब ईच एंड एवरी थिंग आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो विच इज वेरी गुड फॉर द स्मॉल स्केल क्लाइंट्स, जो छोटा क्लाइंट है ना, जिसके पास 5 लाख 10 लाख का कैपिटल है, उसके लिए वो स्ट्रेटजी, वो ऑप्शन फाइंडर जो है, सॉरी स्ट्रेटजी फाइंडर, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। ये अभी नया प्रोडक्ट है, हम लोगों ने जिन ब्रोकर के साथ अभी इसको इनिशियली स्टार्ट किया, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्योंकि क्लाइंट क्या है ना कि हर आदमी ये चीज़ नहीं सीख पाता, लेकिन इतना तो वो डेटा डाल ही सकता है ना कि भैया मेरा ये व्यू है, मेरे को इतना इतना पैसा, मेरे को नुकसान, स्टॉप लॉस मेरा ये है, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मैं इतना फंड लगाना वाला हूँ। तो हम उसको वो सॉफ्टवेयर बता देगा कि आप ये स्टडी करिए, इसमें ये, उसमें सब बता देता है, इसमें ये होगा तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये होगा तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा, ये होगा तो वो सारा सिनेरियो जो है वो उसको बता देगा। वो तो थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो उस पर रियल में ट्रेड कर सकता है। तो वो भी स्ट्रेटजी फाइंडर सर एक इस तरह से काम करेगा कि मतलब वो इससे ज्यादा बेटर नहीं होगा जो आप एक्सेल से और अपना एक्सेस करते हैं? नहीं, नहीं, देखिए क्या है कि इसको ऐसे समझिए कि एक तो आपको खुद गाड़ी चलानी आती है और एक आपने ड्राइवर रख लिया, राइट? तो ये वैसा ही है, जो स्ट्रेटजी फाइंडर है इट्स लाइक स्ट्रेटजी फाइंडर है वो, इट इज जस्ट लाइक ए ड्राइवर। आपने उसको बता दिया यहाँ चलना है, वो अपने आप आपको ले जाएगा। पर अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ड्राइवर, राइट? और उसके और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, उसको ड्राइवर से नहीं कनेक्ट कर सकते। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि उससे बेटर है, अगर हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। लेकिन क्या है कि स्ट्रेटजी फाइंडर हम लोगों ने बनाया है एक हेल्पिंग टूल फॉर दोज स्मॉल क्लाइंट्स हु जस्ट मेक द लॉसेज जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज इन ऑप्शंस। उनके लिए हमने उसको इतना वो डिटेल में वो नहीं सीख सकता, वो डेल्टा थीटा वेगा गामा और ये सिमुलेटर और एक्सेल और फलाना डिमा का, वो डेटा बनाना भी नहीं आता, डेटा एनालिसिस करना नहीं आता। तो हमने वो सब चीज़ उसको छोड़ के उसको कर दिया, पर दिस वर्क्स ओनली इन स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेड्स। अगर आपको पता लगा कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी लेनी है, कोई बहुत बड़ा पोजिशन किसी को लेना है, उसके लिए वो मतलब वो अच्छी चीज अच्छा नहीं माना जाता है, उसके लिए फिर उसको सीखना ही पड़ेगा। बेसिकली जिनके पास टाइम नहीं है वो उनके लिए स्ट्रेटजी फाइंडर बना दिया है। हम उनको मार्केट के सिनेरियो को एनालिसिस करके खुद ही स्ट्रेटजी बता देंगे। ठीक है सर, फिर मंडे से एक ग्रुप बना लेते हैं। हाँ, मंडे से एक ग्रुप बनाइए और उसको मैं उनको देखिए एक चीज बताएं, जिस किसी को ये एक्सेल शीट और ये सिमुलेटर को यूज करना आ गया, उसका जो प्रॉफिट होने की संभावना है इट्स बिकम नियर टू नियर अबाउट 95%, 90-95%, ठीक है ना, 5% ऐसा हो सकता है कि मेक सम प्रोसेस जो कि एबनॉर्मल मूवमेंट होगी। एबनॉर्मल मूवमेंट वर्ड गलत है, वेरी एबनॉर्मल मूवमेंट सही है।
वेरी एबनॉर्मल मूवमेंट क्या क्या है, स्क्रीन में सामने मूवमेंट आएगा तो लॉस नहीं होएगा, केवल गैप ओपनिंग का, बड़ा गैप ओपनिंग अगर हो गया तो लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वो अच्छा, गैप ओपनिंग कितनी हो सकती है ये भी जब आपको इस एक्सेल सीट को एनालिसिस करना आ जाएगा तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि गैप ओपनिंग का सिनेरियो बन रहा है। क्योंकि क्या होता है कि गैप ओपनिंग ऐसे ही नहीं होती कि आज अच्छा वाला मार्केट बंद हुआ कल 1000 पॉइंट घट के निफ्टी खुली, नहीं। वो क्या होता है कि वो जो इन्फॉर्म्ड ट्रेड सर्कल होता है ना, उसको पता रहता है कि ये इवेंट्स होने वाले हैं, अंदर में ये पक रहा है, अंदर में ये हो रहा है, ये फलाना, तो वो क्या होता है, वो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है, ऑप्शंस के प्रीमियम्स महंगे होने लगते हैं। तो ऑप्शन का अगर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और आपके पास हिस्टोरिकल इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का डेटा है, ठीक है ना, आप पता लगा 15 की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 18 हो गई, आपने कहा अरे गैप ओपनिंग होले, नहीं, वो नॉर्मल है, 15 का 18 हो सकता है, कोई 100-200 पॉइंट का मूवमेंट इनबिल्ट होएगा, वो हो सकता है। और ऐसा नहीं कि इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बड़ी तो मूवमेंट आएगा ही आएगा, ये तो वाली चीज है कि शेयर आया तो आदमी तुरंत बंदूक बंदूक निकाल के खड़ा हो गया, शेयर नहीं आया तो बंदूक फिर रख दी उसने, आईवी बढ़ गई, मूवमेंट आने वाला मूवमेंट वाला आईवी बढ़ गई, आईवी मूवमेंट नहीं आया, अरे बोले नहीं नहीं तो घट गई। तो आप मार्केट में जब आपको ये मैं एनालिसिस करना बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे ये भी दिखेगा कि मार्केट में आपको 2-3 पैचेस ऐसे मिलेंगे जिसमें आईवी बढ़ेगी और मूवमेंट नहीं आएगा और आईवी घट जाएगी। तो हम लोगों को वही तो ट्रेड करना है, जब आईवी बढ़ी तो अपने को बेच के काम करना है, जब घटी तो काट लेना है और उसके डायरेक्शन मूवमेंट को कवर करना है कि डायरेक्शन मूवमेंट से मेरे को पैसा न लगे।